हेलो दोस्तों, तो देखिए मैं आज आपको सखी शब्द का रूप बताने वाली हूँ। सखी यानी मित्र। तो देखिए सखी शब्द का रूप कैसे चलेगा। तो सखाव, सखायो, सखाया, सखा, सखायो, सखाया। द्वितीय विभक्ति में मेरा हो जाएगा सखायम, सखायो, सखीन, सखायम, सखायो, सखीन। तृतीय विभक्ति में मेरा हो जाएगा सख्या, सखी भ्याम, सखी भी, सख्या, सखी भ्याम, सखी भी। चतुर्थी विभक्ति में मेरा हो जाएगा सख्य, सखी भ्याम, सखी भ्य, सख्य, सखी भ्याम, सखी भ्य। पंचमी विभक्ति में मेरा हो जाएगा सखियु, सखी भ्याम, सखी भ्य, सखियु, सखी भ्याम, सखी भ्य। षष्ठी विभक्ति में मेरा हो जाएगा वही सखियु, सखियो, सखी नाम, सखियु, सखियो, सखी नाम। सप्तमी विभक्ति में मेरा हो जाएगा सखियो, सखियो, सखीसु, सखियो, सखियो, सखीसु। और संबोधन में मेरा हो जाएगा हे सखे, हे सखियो, हे सखाय, हे सखे, हे सखियो, हे सखाय। तो ये मेरा हुआ सखी शब्द का रूप। तो इसमें देखिए मैं प्रथमा विभक्ति में हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए सखा, सख्याम, सख्या, सखिये, सखियु और ये सखी। ये पंचमी और षष्ठी विभक्ति दोनों एक जैसा है। फिर सप्तमी में हो जाएगा मेरा सखियो और सप्तमी में संबोधन में हो जाएगा हे सखे। और देखिए द्विवचन में देखते हैं हम, तो ये देखिए प्रथमा और द्वितीय विभक्ति द्विवचन में एक जैसा है सखियो। फिर देखिए तृतीय, चतुर्थी और पंचमी, इसमें देखिए ये भी तीनों एक जैसा है। फिर देखिए षष्ठमी, षष्ठी और सप्तमी, ये दोनों भी सखियो, ये दोनों भी एक जैसा है। अब बहुवचन में हम देखेंगे क्या हो जाएगा सख्या, सखीन, सखीवी, सखीभ्य, सखीभ्या। तो देखिए ये दोनों मेरा चतुर्थी और पंचमी विभक्ति में मिल रहा है। फिर देखिए सखी नाम, सखीसु, हे सखाया, तो ये मेरा बहुवचन में हुआ। तो इस तरह से मेरा सखी शब्द का रूप हम लिखेंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।